बाबर, दो एक दिन पहले जो है चेयरमैन पीसीबी का भी बयान आया रमीज आजा का कि हमारी जो ओपनिंग जोड़ी थी वो बिल्कुल नई थी, हमारा जो फास्ट बॉलिंग स्ट्रेंथ थी वो थोड़ी कमजोर थी, इसी वजह से जो है हम इसी पिच के साथ गए, और अगर हम ग्रीन विकेट मारते, फास्ट विकेट ना देते तो हम उनकी गोद में मैच नहीं डालना चाहते थे। अब बताएं कि कराची की जो विकेट है, ये पिच है, यहाँ की कंडीशन है, सुबह का 2 घंटे और शाम के घंटे 2 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इसमें ऑस्ट्रेलियन के फास्ट बॉलर जो हैं वो चल जाते हैं तो अगर नतीजा खुदा ना खासा खिलाफ आता है तो फिर क्या होगा? सर होगा का तो कुछ भी नहीं, ये सोचने से होता है कि आप कहाँ किस सोच से जाते हैं और क्या माइंडसेट लेके जाते हैं। मैं ये नहीं सोचता कि उनके हाथ में जाएंगे, मैं यही सोचता हूँ कि हमारे हक में जाएंगे। हमारे पास भी बेस्ट बॉलर्स हैं, शहनशाह हसन अली और फहीम अशरफ। हमारे उन्होंने भी मैच काफ़ी मैचेज जिताए, हमारे बैट्समैनों ने भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पास्ट। तो ये नहीं है कि उनके डोमिनेट करेंगे, हमारे भी कर सकते हैं। आप ये भी बोले ना कि हमारे भी कर सकते हैं, आप उनका ही कह रहे हैं कि वो कर सकते हैं। कभी हमारी टीम के लिए बारे में भी कह दिया करें कि हमारे बॉलर्स या टीम डोमिनेट कर सकती है। दोनों को सेम रखा करें। मेरे ख्याल से बिल्कुल शुरू का जो कराची में होता है थोड़ा सा विंडी होता है, और मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्पोर्ट होता है बॉलर्स को, और वहाँ पे थोड़ी सी आपको फोकस चाहिए होता है। तो जिस तरह हमारे बैट्समैनों ने पिछले मैच में परफॉर्मेंस दी है, इंशाल्लाह उसी मोमेंटम को लेकर हम चलेंगे। देखें स्ट्रेंथ हमारी मोस्टली दोनों चीज़ें हैं, बॉलिंग भी और बैटिंग भी। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से खेलते हैं। दोनों कभी कभार देखें ऐसा ही नहीं होता कि दोनों परफॉर्म करें, कभी कभार बॉलिंग जिताती है, कभी कभार बैटिंग जिताती है। तो यही एक कम्युनिकेशन है दोनों तरफ से कि हम किस तरह लेके चलते हैं। हम सबको यही होता है कि एक दूसरे को बिलीव है कि हर हर प्लेयर मैच विनर है, और हर प्लेयर मैच जिता सकता है और हर प्लेयर परफॉर्म कर सकता है। और जिस तरह हमारी बॉलिंग है, जिस तरह हमारी टॉप स्पिनर्स हैं, साजिद की बात करें, नुमान की बात करें, एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिखाई है और आउट करके भी दिखाए हैं। फास्ट बॉलर की बात करें, उन्होंने भी परफॉर्मेंस करके दिखाई है। तो ऑन द डे मेरे ख्याल से जिसका बेस्ट डे होता है उसका उसको यही बोला जाता है कि जो आपके हाथ में चीज़ आई है उसको फिनिश करके आए, इवन बैट्समैन हो या बॉलर हो। एज अ टीम हमने अच्छा खेलना है, एज अ टीम आप कैसे सोचते हैं, एज अ टीम हमने कैसे मैच जीतना है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये नहीं कि इंडिविजुअल। और दूसरी बात आपने की है कि जी स्लो रेट से हम खेले हैं, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता खेले हैं। पहली बात तो ये अब्दुल्ला शफीक के में चौथा मैच है और इमाम का कमबैक था, जिस तरह से उन्होंने खेला है वो अप्रिशिएट नहीं करे, और हम कह रहे हैं कि वो स्लो खेले हैं और किस तरह से खेले हैं। मेरे ख्याल से आप ओपोनेंट पे भी देखें, उनके जो टॉप के बॉलर्स हैं तो तीनों मेरे को चार चारों जो उनके तीन फास्ट बॉलर और स्पिनर टॉप के बॉलर और ऐसे जीत के हैं, उनका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था। और जिस तरह हमारे बैट्समैनों ने डोमिनेट किया और जिस तरह वो खेले हैं, पहला सेशन उन्होंने थोड़ा सा चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि पिच क्या कर रही है, उनकी बॉलिंग क्या स्ट्रेंथ है, क्या पिच का बिहेव है, उसके बाद उन्होंने डोमिनेट किया। और उसके बाद मेरे ख्याल से वो एवरेज वो 4 पे भी लेके गए हैं, एक टाइम पे 4 पे भी ले गए हैं, 4.5 पे भी गए हैं। हाँ ये है कि स्पेल सेशन बाय सेशन आप देखें ना कि हर हर टाइम आप डोमिनेट नहीं कर सकते हैं, कभी कभार वो भी डोमिनेट करते हैं। उस टाइम आपने अपने आप को कैसे फोकस होके खेलना होता है कि आप वहाँ पे विकेट नहीं दे सकते। आप ये कि 4 के रन रेट को कंटिन्यू करने के लिए आप विकेट लूज कर दें, एक ये भी प्लानिंग होती है कि आपने कैसे लेके चलना है। विकेट इन हैंड काफ़ी ज़रूरी होता है, दूसरी टीम पे प्रेशर पड़ता है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल हमने काफ़ी अच्छा खेला है और नॉमिनेट किया। ये नहीं कि हम स्लो खेले हैं या हमने 2 दिन में 400 किए, और दूसरी और ये भी देखें कि उन्होंने जब 50 80 ओवरों के बाद फिर उन्होंने अपनी फील्डिंग देखें कितनी खोल ली थी, इतने इजी रन नहीं हो रहे थे जिस तरह शुरू में हो रहे थे।